अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज MOPH की तरफ से बहुत ही बड़ी दोस्तों नोटिस आई है, बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट किया गया। तो दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और अपने भाइयों दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी लोग कतर में रह रहे हैं या फिर कतर आने वाले, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये काम आप कर ले और आपका पैसा बर्बाद हो जाए, सारा का सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो। तो साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा MOPH के द्वारा क्या कहा गया, मैं चलिए आपको मैं बता देता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, यदि नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ दिन पहले वहां पे QNCC में, यानी जहां पे दोस्तों वैक्सीन का जो डोज, जहां पे पहला डोज जहां पे दिया जाता है, लोगों की वहां पे काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी। भीड़ इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग मतलब पूरे सट सट के लाइन पर खड़े थे COVID-19 का वैक्सीन लेने के लिए, वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना कोई SMS आए हुए, बिना लोग मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह के वहाँ पे जाके भीड़ भाड़ लगा के वैक्सीन लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी गर्दी हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ा, जिसका वजह से वहाँ पे COVID-19 के बनाए गए नियमों का उल्लंघन हुआ, रिस्ट्रिक्शन को अनफॉलो किया गया, तोड़ा गया, जिसके बाद MOPH का खास अनाउंसमेंट किया गया, बिना आपको रजिस्ट्रेशन के, बिना मोबाइल में SMS आए या कॉल आए, आपको वहाँ पर वैक्सीन लेने नहीं आना है और आपको बिना रजिस्ट्रेशन का आपको वैक्सीन दिया भी नहीं जाएगा। तो जो भी लोग दोस्तों वहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लेने जाने वाले थे या फिर चले गए हो, अब दोबारा मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है और यदि आप जाते हो वहाँ पे भीड़ लगाते हो तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो साथियों ये MOPH की तरफ से बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट। अब साथियों जान लेते हैं वहाँ की ताज़ा हालात के बारे में COVID-19 का। तो दोस्तों यदि कोई भी आपको स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम है तो 1-6-0-0 पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत ही मेडिकल सहायता आपको दी जाएगी। दोस्तों अभी तक वहाँ पे डोज पड़ चुका है, 8,42,000 लोगों को वहाँ पे COVID-19 का वैक्सीन पड़ चुका है। दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, वहाँ पे जांच अब तक हो चुका है, अब तक वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल टेस्टेड अब तक दोस्तों 17,41,631 लोगों का, और टेस्टेड जो 24 घंटे के अंदर 14,233 लोगों का, करंट एक्टिव केस 15,965 है, पॉजिटिव केस वहाँ पे 24 घंटे में 840 निकल कर आया है। अब तक दोस्तों वहाँ पे 1,80,804 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, रिकवर दोस्तों बात करें तो 1,64,544 लोग रिकवर हो चुके हैं, 24 घंटे में 423 लोग रिकवर हुआ है, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है और टोटल डेथ की संख्या दोस्तों वहां पे 295 है। 24 घंटे में ICU 50 लोग है, टोटल वहां पे 358 लोग है, एक्यूट हॉस्पिटल में 198 है, टोटल वहां पे एक्यूट हॉस्पिटल में 1723 लोग है। तो दोस्तों पूरी ताज़ा अपडेट थी COVID-19 की और कुछ खबर थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ नेक्स्ट वीडियो पर।